डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस टाइप की इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस 4, जिसमें x की पावर 2 और इक्वल टू समथिंग, सपोज 0 इज हियर, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c, तो हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। पर इसके लिए a शुड नॉट बी 0, तब ये कहलाता है पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। लेकिन जब इस पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c को 0 से इक्वेट करते हैं, देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए शुड नॉट बी 0, वेयर ए शुड नॉट बी 0। सपोज इफ ए इज 0, देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए शुड नॉट बी व्हाट? ए शुड नॉट बी 0, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टेंड बाय वेरियस मेथड्स। लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। तो आइए हम उनकी कुछ मेथड्स को समझते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस। x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज टू बी ऑब्टेंड। लेट अस सी हाउ इट कैन बी ऑब्टेंड। x² प्लस 3x प्लस 2, इसके सॉल्यूशन के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का यूज करेंगे। तो x² प्लस 3x को आप लिख सकते हो 1x प्लस 2x। क्या मेथड होना कि इसका सम या डिफरेंस आपको 3x मिलना, और इसके जो कोफिशियंट्स हैं, ये कोफिशियंट और ये कोफिशियंट, इन दोनों का प्रोडक्ट है 1 × 2, 2। तो जब आप इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करें तो आपको 2 मिलना। तो आप देखिए 1 × 2 क्या है, 1 × 2 इज 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसे स्प्लिट अप करेंगे, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक्स प्लस 1 कॉमन, तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस टू। अब आप देखिए कि अगर आपके पास, आपने यू वुड सीन दैट इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, इफ ए इंटू बी इज 0, देन वेन कैन दिस बी 0, वेन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0, जब कम से कम दोनों में से एक 0 हो। अगर दोनों 0 नहीं है, मान लीजिए 2 × 3, तो दिस कैन नॉट बी 0। तो इसके लिए या तो ए 0 होना चाहिए। वट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। इसके लिए या तो ए 0 हो या बी 0 हो। सिमिलरली इसी तरह से दिस इम्प्लाइज इधर दिस शुड बी 0 और दैट शुड बी 0, यानी एक्स प्लस 1 0 हो या फिर एक्स प्लस 2 0 हो। तो एक्स की वैल्यूज आएगी आपके पास x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2। -1 एंड -2 आर दोज वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है।
इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, कहने का मतलब हुआ कि जब इस इक्वेशन में x की जगह -2 रखेंगे, x की जगह हम -2 रखेंगे किस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 इज इक्वल टू जीरो में, व्हेन आई पुट एक्स इज इक्वल टू -1, जब मैं x की जगह -1 रखूंगा तो ये बनेगी -1 होल स्क्वायर 3 × -1 + 2 इज इक्वल टू जीरो। और इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 − 3 + 2, 1 + 2 = 3, 3 − 3 इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन होने की वजह से ही ये इसको सेटिस्फाई करा रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, तो ये आ गई। अब सिमिलरली इफ यू पुट x इज इक्वल टू -2, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अगर आप x की जगह -2 डालेंगे तो देखिए क्या होगा, −2 होल स्क्वायर 3 × −2 + 2 इज इक्वल टू जीरो। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती हैं या नहीं। तो -2 का होल स्क्वायर है 4, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 × 2 = 6 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अभी देखिए 4 + 2 = 6, 6 − 6 इज जीरो। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों अगर साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू -2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर इसलिए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 इज इक्वल टू जीरो आर एक्स इज इक्वल टू -1 and -2, एक्स इज इक्वल टू -1 and -2, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू -1 and x = -2 आर कॉल्ड जीरोज। ये नई टर्म है जीरोज, हिंदी में शून्यक कहते हैं, शून्यक जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनामियल। जीरोज ऑफ दिस पॉलिनामियल का मतलब है कि वो वैल्यू रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो वैल्यूज जो एक्स की -1 और एक्स की -2 है, यहाँ रखने पर जीरो हो जाएगी, तो ये इसके कहलाते हैं जीरोस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ जीरोस के लिए। सपोज यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल x² - 1 एंड इफ यू विश टू फाइंड इट्स जीरोस, अगर आपको इसके जीरोस निकालने हों तो क्या करेंगे, तो x² = -1 के जीरोज निकालने के लिए, तो टू फाइंड जीरोज ऑफ x² - 1 वी शैल इक्वेट x² - 1 विद जीरो। मतलब हम इसे एक पॉलिनामियल को जीरो से इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखें x² - 1 को आप लिख सकेंगे x² - 1² इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज x - 1 x + 1 इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज x - 1 इज इक्वल टू जीरो और x + 1 इज इक्वल टू जीरो। और उससे पता लगा कि x की वैल्यू क्या होगी, इधर 1 x = 1 और x = -1।
देन दीज टू वैल्यूज विल बी इट्स जीरोज. तो ये इसके जीरोज हैं, आप रख के भी चेक कर सकते हैं. इफ़ यू पुट एक्स इज इक्वल टू वन, वन स्क्वायर माइनस वन इज जीरो. इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होल स्क्वायर इज वन, वन माइनस वन इज जीरो. देयरफॉर दीज टू वैल्यूज आर जीरोज, ये दोनों वैल्यूज जीरोज हैं. या फिर इन्हें ऐसा कहें कि दीज टू आर द रूट्स रूट्स ऑफ विच, जैसे हमने सोल्यूशन भी कहते हैं इन्हें, सोल्यूशन को ही हम रूट्स भी कहते हैं. दीज टू वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स. रूट्स ऑफ वॉट? रूट्स ऑफ इक्वेशन. जीरोज ऑफ वॉट? जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल. और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल. देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. दिस इज अ पॉलीनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री. व्हेन इट इज इक्वेटेड विद जीरो, जब इसे जीरो से इक्वेट करेंगे, देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये इक्वेशन बन चुकी है, अब हमें इसे स्प्लिट अप करना है. इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट वन माना जाएगा. तो आप ये देखिए कि वन इंटू सिक्स इज वॉट? सिक्स. फाइव को ऐसा स्प्लिट करें कि जिससे आपको उनका मल्टीप्लिकेशन तो सिक्स मिले और प्रोडक्ट करने पे सिक्स मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में फाइव मिले. तो फाइव के और कौन 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 से कॉम्बिनेशन है देखिए. वन से स्टार्ट करते हैं. वन इंटू फोर, फोर. वन इंटू फोर, फोर. तो ये सिक्स नहीं है. टू इंटू थ्री, सिक्स है. पर टू प्लस थ्री की भी वैल्यू देखो. टू प्लस थ्री इज वॉट? टू प्लस थ्री और टू माइनस थ्री, दिस इज फाइव. इज दिस फाइव? यस, इट इज़ फाइव. तो इसका एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है. एक और कॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, वो कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि सिक्स इंटू वन. सिक्स इंटू वन इज वॉट? सिक्स. और सिक्स माइनस वन इज फाइव. तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से या इस तरह से. या तो ये स्प्लिट अप इस तरह से होगा या इस तरह से होगा. तो आइए अब हम समझते हैं इसको किस तरह से करेंगे. एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को टू और थ्री में स्प्लिट करके देखते हैं. तो टू और थ्री में स्प्लिट करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स. लेकिन ये माइनस जो है वो बाहर रहेगा. माइनस बाहर इसलिए रहेगा. प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस. एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू. माइनस थ्री कॉमन. माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज. इन दोनों में से इसको भी कॉमन ले लिया. दोनों कॉमन ले लिए तो बचेंगे कौन? ये दोनों, एक्स माइनस थ्री. अब उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले समझा था कि ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, देन ईदर ऑफ देम इज जीरो. तो ईदर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स की वैल्यू आई टू या एक्स की वैल्यू आएगी थ्री. दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ विच? सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. अगर हम इसको वो जो दूसरा कॉम्बिनेशन इसका बन रहा था उसमें स्प्लिट अप करते हैं तो देखिए किस तरह से होता. अगर आप इसे लिखते एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स वन एक्स. सिक्स एक्स माइनस वन एक्स, ये भी फाइव हो रहा है. इसका भी दोनों का प्रोडक्ट सिक्स इंटू वन का क्या हो रहा है? सिक्स. तो इस केस में देखें क्या होता है. अब इसमें लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस सिक्स. इससे एक्स कॉमन लें. अगर इससे कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो वन कॉमन ले लें या इसके इंटू में वन लिख दें. अब आप देखिए ये एक्स माइनस सिक्स है और ये एक्स प्लस सिक्स है. तो एक्स माइनस सिक्स कॉमन नहीं ले सकते ना एक्स प्लस सिक्स कॉमन ले सकते. इसलिए ये वाला जो फैक्ट स्प्लिट अप
जो हमने किया था फैक्टर बनाने के लिए, जो हमने 5x को स्प्लिट किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, वो हमारा स्प्लिटिंग का जो कंसेप्ट था इस केस में अप्लाई नहीं हुआ। तो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कि जिससे इनका प्रोडक्ट 6 आए या इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 5x आए तो हमें उससे इसका सल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ किसी ना किसी से ज़रूर मिलेगा, जैसे इससे मिला। अब दूसरा देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका हम चाहते हैं कि इस 9x को जो है स्प्लिट अप करें, और ऐसा स्प्लिट अप करें कि हमें कुछ कॉमन मिले और x की वैल्यूज मिले। तो आप कैसे स्प्लिट अप करेंगे? तो इसको आप स्प्लिट अप इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप पहले समझ लें, इसका कोफिशियंट क्या है, इसका कोफिशियंट 1 है, तो 1 इंटू 18 इज़ 18। तो 9 को आप इस तरीके से तोड़ें कि प्रोडक्ट तो आपका क्या है, प्रोडक्ट आपका 18 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 9 आए। तो जैसे 9 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 इंटू 8 1 प्लस 8। अगर आप 1 प्लस 8 लिखते हैं तो 1 इंटू 8 का वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 8 इज़ 8 बट इट शुड बी 18, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। फिर 9 को आपने क्या लिखा, 2 2 प्लस 7, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 इंटू 7 कितना है, 14 है। फिर 9 को क्या लिखा आपने, 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 18, हाँ ये अप्लाई हो सकता है। तो आइए अपन इस पर ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखा आपने 3x माइनस 6x, या आप ऐसा लिख दें पहले 3x प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 माइनस 3 कॉमन, एक्स माइनस 6, सॉरी इट शुड बी 6, तो 6 कॉमन माइनस 6 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 3। अब दोनों जब सेम हो गए तो दोनों कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ईदर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यूज आई है हमारे पास 3 और 6, तो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड 6 आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 6। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x या प्लस 5x ले ले, और ये जो c वाली टर्म थी ये ना हो, मिसिंग हो, ये वाली टर्म मिसिंग हो, इस तरीके की हो, तो इस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्प्लिट अप करने की जगह आप इस तरह से कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और होगा इधर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई 0 और एक आ गई आपके पास माइनस 5। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, कब, जब सी इज 0, व्हेन व्हाट सी इज 0, ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज व्हाट, सी इज 0, तब आप इस मेथड को लगा सकते हैं। अब इसमें हम अगर कभी बी 0 हो तो क्या करेंगे, तो आप बी 0 मतलब इसको 0 रखते, इसको कुछ वैल्यू देते, एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस की जगह माइनस ले लें पहले, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आप देखिए कौन जीरो है, इसमें बीच वाली टर्म मिसिंग है और आखिरी वाली टर्म है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो को अब इसको फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस आप इसको लिखें रूट सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट सेवन और एक्स प्लस रूट सेवन। तो एक्स की वैल्यूज आई, एक तो वैल्यू होगी रूट सेवन और दूसरी वैल्यू होगी माइनस रूट सेवन, कब, जब हमारे पास बी ज़ीरो है। अब इसमें भी एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, अगर आपका बी ज़ीरो है और सी हमने नेगेटिव लिया है, अगर सी हम पॉजिटिव ले लेते इसी की जगह सेवेंथ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो में एक्स की वैल्यू मिलना मुमकिन नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, माइनस फोर, एंड वी डू नॉट नो एनी रियल नंबर एक्स हुज स्क्वायर इज व्हाट, हुज स्क्वायर इज माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस टू, माइनस थ्री, जिसका भी स्क्वायर माइनस में हो ऐसा कोई नंबर हमें पता नहीं है। देयरफॉर देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम ये भी देखेंगे कि कब आपको पास सोल्यूशन होगा, कब आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा, वो भी देखने की हम कोशिश करेंगे। आइए उससे पहले हम इस तरह का सवाल देखें जिसमें ए की वैल्यू ज़ीरो हो, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म जो हो वो ना हो। तो आप मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके की कोई इक्वेशन है, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग है। अगर एक्स स्क्वायर मिसिंग नहीं है, मिसिंग है, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे। तो अगर हमें उस फॉर्मेट में लिखना है तो उस फॉर्मेट में इसे इस तरह से लिखेंगे। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, आपने क्लास सिक्स सेवन में भी सॉल्व किया होगा। एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, फोर को उधर भेजिए, माइनस फोर और थ्री को नीचे भेज दीजिए, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। किसका? इस इक्वेशन का, लीनियर का। तो आपने देखा कि जब सी ज़ीरो हो तो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, जब बी ज़ीरो हो तो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, और जब ए ज़ीरो हो तो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। पर शर्त है कि अगर ये ज़ीरो है तो क्वाड्रेटिक है, ये ज़ीरो है तो क्वाड्रेटिक है, बट ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इफ इट इज़ दी ज़ीरो देन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, तब इसे एक लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण कहेंगे, रेखीय, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड रेखीय, रेखीय लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपने इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ स्पेशल टाइप की देखते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगे और आपको समझिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर, ये कुछ स्पेशल है केस, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, और हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो आप ये देखें
इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो आप पहले तो ऐसा देखने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 3 6, 2 3 6, अब इस 1 को स्प्लिट अप करने की कोशिश करते हैं कि 6 आ जाए, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं आप? आप 1 को लिखने की कोशिश करेंगे 1x को 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आप x कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3, जब आप यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो गया 2x माइनस 3। अब आप देखो इसमें 2x प्लस 3 है, इसमें 2x माइनस 3 है, तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 कैन नॉट बी टेकन कॉमन, इसे कॉमन नहीं लिया जा सकता है। तो फिर ये स्कीम जो है आपकी फेल हो गई। तो जब ये फेल हो गई तो अब हम इसके लिए कुछ एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए आपको मैं उसके क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। पर इसका सॉल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इसको 2 को इस फॉर्म में स्प्लिट करें, किस तरीके से स्प्लिट करें कि 1 इंटू 4 4 आ जाए, तो 2x को कैसा लिखें कि 4 आ जाए। तो 2x को ऐसा लिखने की हम कोशिश करते हैं, पर हमको कोशिश में हम सफल नहीं होते। कैसे? आप इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 में 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 को आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 1 से क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा, पर 4 तो नहीं आएगा। तो फिर उसके लिए क्या करें? तो आइए मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, इसे कहते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, बाय मेकिंग सॉल्यूशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखिए एक्स स्क्वायर, इसे मान लीजिए कि ये ए स्क्वायर है, इस में 2x लिखा हुआ है, ये 2 इज 2, ए इज एक्स, अब इसमें कुछ मिसिंग है बी, हमने इसको 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख दिया। इसको ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा दोस्तों ताकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में आ जाए। अब हमें इस फॉर्मेट में लाना ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी इज़ व्हाट? बी इज़ 1, तो बी का स्क्वायर भी चाहिए हमें। देखिए तो ये बी का स्क्वायर बना दिया मैंने, दिस इज़ व्हाट? बी स्क्वायर, जैसे यहाँ ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर हमने इसे बना दिया। अब हमने 1 स्क्वायर ऐड किया तो ऑब्वियसली 1 स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो 1 स्क्वायर इज़ व्हाट? 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकेंगे x प्लस 1, कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 माइनस रूट 5 एक्स प्लस 1 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 माइनस रूट 5 0 होगा, या फिर और एक्स प्लस 1 प्लस रूट 5 0 होगा। इससे देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो इसके लिए आपको इसको दोनों को वहाँ राइट साइड में भेजना है, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 1 प्लस रूट 5, और दूसरे से आएगी एक्स की वैल्यू माइनस 1
minus root 5. Therefore, its solutions are x is equal to minus 1 plus root 5 and minus 1 minus root 5. इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, या फिर अपन ऐसा कहेंगे कि इसके रूट्स हैं. दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और रूट्स. अब इसी तरीके से इस सीक्वेंस में आप इसको देखें, इसको भी हम इसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. तो देखते हैं क्या होता है और हम कितने सक्सेस होते हैं. देखिए, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ और है तो हम सबसे पहले उसे बाहर ले लें. और इस टू को नीचे भेज दें तो आप देखिएगा क्या आएगा आपके पास. ये इक्वेशन आएगी. अब जब ये इक्वेशन आई तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें. इसको ए स्क्वायर कहेंगे प्लस ये ए है, यहाँ टू मिसिंग है तो टू क्रिएट करें हम. टू मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टू मल्टीप्लाई करना है तो हमें टू डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर. लिखता हूँ मैं वापस ठीक से, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाय फोर एक्स. ये ए स्क्वायर, ये टू, ये बी, ये ए प्लस. अब इसमें बी स्क्वायर मिसिंग है. बी स्क्वायर कौन, वन बाय फोर का स्क्वायर. तो वन बाय फोर स्क्वायर ऐड कर दिया तो नेचुरली वन बाय फोर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो वन बाय फोर होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका बन गया बी स्क्वायर. नाउ इट हैज़ बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो एक्स प्लस वन बाय फोर होल स्क्वायर प्लस. अब देखिए कि आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा. तो 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 16, दोनों का एलसीएम आएगा 16. 2 8 जा 16, 8 3 जा 24. 16 से डिवाइड करें, 16 1 जा 16 तो ये आएगा 1. तो ये आपके पास आ गया 23 बाय 16. ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है 23 बाय 16 इज इक्वल टू 0. अब अगर आप इसको उस साइड भेजें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 23 बाय 16. अब आप फिर देखें, स्क्वायर कैन नॉट बी व्हाट, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. तो व्हेन स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव तो देयरफॉर नो रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी शैल हैव. इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका रियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा इस इक्वेशन का. किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का. तो हमें कब रियल सॉल्यूशन मिलेगा, कब रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये भी एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है. तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कब रियल सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कब रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. और वो कौन सी कंडीशन होगी जब आपको रियल सॉल्यूशन मिलेगा और रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो आइए फिर से हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हम ए कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा बच्चों बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए. जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कॉमन ले लें, उस कोफिशियंट को आप नीचे भेज दें और ये मान के चलें कि दिस इज नॉट जीरो. इफ दिस इज जीरो देन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए जीरो नहीं होगा. तो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए यहाँ पहुँच गए. अब हमें सॉल्यूशन निकालना है तो फिर वही ए स्क्वायर बनाना है. ए स्क्वायर ये बन जाएगा, ए ये बन गया. अब टू इसमें मिसिंग है तो
तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब आप देखिए कि आपका ए कौन बना, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया 2, ये बन गया ए, ये बी बनेगा। तो बी स्क्वायर आपको चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए मतलब बी बाय 2 ए का होल स्क्वायर चाहिए। तो आपने ये ऐड किया तो आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करिए, ये आपका बना बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया मेरे दोस्तों एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए, इधर देखें सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो देखिए क्या लिखें, x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर प्लस, या पहले आप उसको राइट साइड में भेज दें तो ये माइनस वाला टर्म आपका प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला टर्म था c बाय a ये माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम देखें, एलसीएम आएगा आपके पास 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें बी स्क्वायर, ए इसे डिवाइड करें 4a, 4a इससे इंटू कर दें 4ac, एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब अगर आप ऐसा करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर आप स्क्वायर रूट लगा दें, इस तरह से। और अगर आपको ये नहीं जमता हो तो आप इसे इस तरह से वापस लिखें, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस, आप इसको इस तरह भेज दें और ऐसा लिख दें बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं, हम अब देखिए, अब आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, व्हाट इज दैट, ये वाला फॉर्मूला कहता है पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। कौन बन गया पी, पी बन गया ये आपका, ये कौन, दिस बिकम्स क्यू। तो आप देखिए क्या बना, एक्स प्लस बी बाय 2a माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाय 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वही थ्योरी लगाएंगे हम कि अगर हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है देन वन ऑफ देम इज 0, तो या तो x प्लस बी बाय 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप ये भी कर सकते हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज व्हाट 2a, तो इसको अलग कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज 2a, 0 होगा। या फिर x प्लस बी बाय 2a माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें 2a, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x की वैल्यू आएगी, इसको राइट साइड में शिफ्ट करें, माइनस बी बाय 2a प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह से इसको भी शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए। इसको देखें माइनस बी, इसमें माइनस उधर शिफ्ट हुआ तो प्लस हुआ, इसमें दोनों प्लस है माइनस और ये प्लस है, तो जब ये शिफ्ट होगा तो उधर माइनस आएगा, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसमें देखिए एक में लिखा हुआ है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस बी माइनस, तो दोनों को हम क्लब कर दें, दोनों को क्लब करेंगे तो देखिए कि आज सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, इन दोनों को हम क्लब कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्लब कर देते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन कहते थे या इसे हम रूट्स कहते थे वो ये है, सॉल्यूशन और रूट्स ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हम देखें कि कभी कभी हमें रूट्स मिल जाते हैं कभी कभी नहीं मिलते, तो वो नहीं कब मिलेंगे वो इसमें छुपा हुआ है, तो वो कैसे छुपा हुआ है आइए देखते हैं। अगर इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, सेवन है, स्क्वायर रूट के अंदर नाइन है, टेन है, वन है, 1.2 है, तो इनकी वैल्यू आ सकती है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। पर अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस फोर है, तो दिस कैन नॉट बी माइनस टू। व्हाई? अगर ये माइनस टू है तो इसका स्क्वायर करूँगा मैं, तो जब मैं माइनस टू का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू, तो ये क्या बन जाएगा उस केस में प्लस बन जाएगा। तो ये देखा हमने कि माइनस का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब जब पॉजिटिव होगा तब तब हमारे पास स्क्वायर रूट की कुछ वैल्यू होगी, तो इस केस में आपको रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। पर जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव होगा तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर हम कहेंगे कि हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अब देखिए कि जो हमारा उस समय इस टाइप का जो क्वेश्चन था 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसमें a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है 3। तो अगर ये वैल्यूज़ हैं तो इस बेसिस पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 1 माइनस 4 टू जा 8, 3 जा 24, माइनस 24 दैट इज माइनस 23 विच इज़ लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स विल नॉट बी इमेजिनरी, रूट्स विल नॉट बी रियल, तो रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हमें मिलेंगे। तो इसलिए हमें उस मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से इसके रूट्स नहीं मिल रहे थे,
तो आइए अब हम और कुछ सिचुएशंस से डील करते हैं और इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे. देखिए, नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट. फॉर्मूला हमने देखा कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जो सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू हमें मिला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. इसे डी से भी डिनोट करते हैं एंड दिस वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये दिस डिस्क्रिमिनेंट इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो हमने d की वैल्यू अलग अलग देखी, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो रूट्स रियल होंगे और d की वैल्यू अगर स्मॉलर देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे. इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स विल बी इमेजिनरी नॉट रियल. तो जैसे अब हमारे पास मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें इस इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है और उसकी हमें एक्स की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले से निकालनी है. तो आइए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. ए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो और इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है. तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए देखिए ए इज़ व्हाट, कंपेयर करेंगे सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से. ए इज व्हाट, ए इज वन, बी इज सेवन, सी इज ट्वेल्व. अब फॉर्मूला लगाया हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. तो माइनस सेवन प्लस माइनस बी इज व्हाट सेवन माइनस वन, सेवन प्लस माइनस बी स्क्वायर, सेवन स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू ट्वेल्व, फोर इंटू वन इंटू ट्वेल्व अपॉन टू इंटू वन. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. माइनस सेवन प्लस माइनस सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन, माइनस फोर वन जा फोर इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट, फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट इज वन अपॉन टू. माइनस सेवन प्लस माइनस वन अपॉन टू. तो अब हमारे पास दो वैल्यू क्राइटेरिया हैं, पहले प्लस साइन लेते हैं और बाद में माइनस साइन लेते हैं. माइनस प्लस साइन मतलब बीच वाले का, इसका प्लस साइन माइनस सेवन प्लस वन बाय टू, माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स बाय टू माइनस थ्री. एक्स की वैल्यू है माइनस सेवन माइनस वन बाय टू माइनस एट बाय टू माइनस फोर. तो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, सो फाइनली वी हैव गॉट टू वैल्यूज़ फॉर एक्स. एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर, बोथ द वैल्यूज़ आर रियल वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ रियल हैं. और इसका आपने सॉल्यूशन देखा कि रियल सॉल्यूशन आया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह का हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी सीक्वेंस में. अगर आपके पास क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टू फाइव जै सेवन, इसका टू इंटू फाइव कितना हुआ हमारे पास टेन. अब हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है सेवन का, इस हिसाब से टू एक्स और फाइव एक्स, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो. अब टू कॉमन लिए टू एक्स तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ पे फाइव कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, लेकिन दोनों में से कॉमन अब कुछ भी नहीं आ सकता. तो इसका इस तरह से करना थोड़ा मुश्किल था, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसका सोल्यूशन फाइंड करना मुश्किल है. तो अब हम इस फार्मूले का यूज़ करके देखते हैं. ए इज़ टू
बी इज 7, सी इज -5। फार्मूला लिखेंगे वही सेम फार्मूला, -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, ए इज व्हाट 2 इंटू सी, सी -5 है, आप ब्रैकेट में लिखिए -5 अपॉन 2 इंटू 2। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हुआ 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8 5 जा 44। अब आप देखिए -7 प्लस माइनस रूट 89। अब रूट 89 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसे रूट 89 ही लिखे रहने दें और इसका सोल्यूशन यही होगा। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी सेम, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट 89 बाय 4। तो आपने देखा कि फार्मूले का यूज़ करते हुए कितने जादू से हमने इसका आंसर निकाल लिया। आइए इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन देखते हैं। सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए इज 1, बी इज 1, सी इज -1 और x का वैल्यू होगा -b -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1। -1 प्लस माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। तो आपका आंसर आया -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। तो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली आप x का वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट फैक्टराइजिंग और विदाउट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एक आसान सी तरकीब है जिसका हम यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। एक स्पेशल केस लेते हैं और उसमें एक खास मैसेज भी होगा, तो वो मैसेज के लिए वो केस क्या है देखें। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए क्या है, ए आप देखिए 1 है, बी माइनस 6 है, सी 9 है। अब x की वैल्यू हो गई माइनस बी, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 9, 2 इंटू 1, ये आ गया आपके पास 6 प्लस माइनस। अब आप यहाँ देखिए माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस में माइनस 4 9 जा 36। आप देखते चलें माइनस 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो ये 0 होने के कारण बीइंग 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, माइनस 6 अपॉन 2 विच इज माइनस 3। तो इसका मतलब है कि x कि दो वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी उसकी, -3 एंड -3। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, आपने नोटिस किया होगा जब ये ज़ीरो हो, जब ये ज़ीरो हो मतलब जब ये ज़ीरो हो, जब ये ज़ीरो हो मतलब जब ये ज़ीरो हो। इसका मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों कि जब डी ज़ीरो हो, व्हेन डी इज़ ज़ीरो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, तो रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। व्हेन दे विल बी रियल एंड इक्वल, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। आपने इस केस में देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, दोनों रूट्स सेम हैं। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से भी करना चाहें तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल। मैं आपको दिखा देता हूँ फैक्टराइजेशन से भी। आप इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3, दोनों में से x माइनस 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 3, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 3। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर रियल एंड इक्वल, दोनों रियल हैं, वास्तविक हैं और समान हैं। तो ये हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट पे
सारा कुछ डिपेंड करेगा, वो ही डिस्क्रिमिनेंट ही हमें नोटिफाई करेगा कि रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो कई बार हमसे इसकी कंडीशंस भी निकालने को आती है कि अब इसके हम क्वेश्चन को फिर से नंबरिंग करते हैं, और इसमें हमसे पूछा जाता है कि फॉर फॉर व्हाट पी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। और पहला सवाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो रूट्स अगर रियल और इक्वल हैं तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लें। ए इज व्हाट? ए इज वन इफ देयर इज नो कांस्टेंट, मींस वन, इसका कोई कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको वन मान लें। बी इज व्हाट? बी इज टू, सी इज पी। और कंडीशन इज फॉर रूट्स बीइंग रियल, डी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखें कि डी बी स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर, फोर इंटू ए इज वन इंटू पी विच इम्प्लाइज फोर इज इक्वल टू फोर पी। तो इससे पी का वैल्यू आया आपके पास वन। तो इफ पी इज वन, रूट्स विल बी व्हाट? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इसी तरह से दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगर ऐसा दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, पी की वैल्यू निकालना है फॉर विच रूट्स आर रियल, ए इज पी, बी इज वन, सी इज माइनस वन, देन द कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस फोर पी इक्वल टू जीरो। इससे पता चला पी की वैल्यू क्या होगी। तो पहले वन को शिफ्ट कर दें, फिर फोर को अपॉन में भेज दें। तो इफ पी इज माइनस वन बाय फोर देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में ए क्या है? ए वन है, बी पी प्लस टू है, सी फोर है, और कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसा कह दो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, दोनों एक ही चीज़ है। तो पी प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू वन इंटू सी, सी इज वॉट? फोर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू पी प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन। क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, बड़े मज़े की बात है। तो ये पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस फोर, और सिक्सटीन इधर आएगा तो फोर माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व। अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप पी की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्वाड्रेटिक का यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। तो पी इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी होगा माइनस ट्वेल्व अपॉन टू इंटू वन। तो यह आया आपके पास माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, ट्वेल्व फोर जा 48 अपॉन टू, 48 प्लस 16 64 होगा, 64 का स्क्वायर रूट होगा 8
अपॉन टू, अब टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन का कंसेप्ट चलेगा। तो एक बार हम प्लस साइन लेते, दूसरी बार हम माइनस साइन लेते, तो p इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस एट अपॉन टू, एट माइनस फोर इज टू, एट माइनस फोर इज फोर, फोर डिवाइडेड बाय टू इज टू, तो p का एक वैल्यू होगा टू, और माइनस साइन लेंगे तो p इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस एट बाय टू। तो हमारे पास देखिए माइनस फोर माइनस एट क्या होगा, होगा माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू, माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू विल बी माइनस सिक्स। तो जब x की, जब p की वैल्यू टू होगी, जब p की वैल्यू माइनस सिक्स होगी, तब हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आएंगे। तो हमने सीखा दोस्तों कि इक्वेशन के रूट्स जब रियल और इक्वल होंगे तो कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। और उस केस में हमें अननोन की वैल्यू कैसे निकालना है ताकि रूट्स उसके रियल और इक्वल हों। तो आज दोस्तों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल देखा, पॉलिनामियल के जीरोस देखे, फिर हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उनके रूट्स निकालना सीखे, और उसके बाद हमने एक नया फार्मूला डिराइव किया। ये फार्मूले का नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। और एक्स की वैल्यू जो निकालने के हमारे पास जो फार्मूले से वैल्यूज आई, उसमें हमने देखा कि रूट्स कब इसके रियल हो सकते हैं, कब इक्वल हो सकते हैं, और कब रूट्स इसके इमेजिनरी हो सकते हैं। और हमने एक कंडीशन के बेसिस पे एक अननोन की भी वैल्यू निकाली फॉर विच रूट्स आर रियल। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। आपके कोई भी सजेशन, कोई कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।